कोरोना की दूसरे लहर के बाद से बेखौफ घूम रहे लोगों को सावधान करने की जरूरत को देखते हुए बिलासपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने पदभार ग्रहण करते हुए जिले में युवा थानों में कसावट लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले सभी थानों में निर्देशित किया है कि लोगों को मास्क और कोरोना के बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। थाना प्रभारी राजकुमार सोरी ने कहा कि लोगों को जागरूक करने जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देशानुसार कोरोना की तीसरी लहर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मास्क अप की शुरुआत की गई है, मेरा मास्क मेरी जिम्मेदारी की भूमिका का निर्वहन करने की बात कही। इसी के तहत आज सीपत थाना प्रभारी व टीम के द्वारा सीपत बस स्टैंड नवाडी चौक थाना चौक में लोगों को मास्क वितरण किया गया और दुकानदारों राहगीर मोटरसाइकिल वालों सभी को रोककर मास्क पहनाकर उन्हें कोरोना से बचाव का उपाय बताया गया। मास्क अभियान अभी कब से चलाया जा रहा है अभी तत्कालिक और किस उद्देश्य से? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के द्वारा मास्क अप बिलासपुर के माध्यम के द्वारा मास्क वितरण एवं मास्क अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी दूसरी लहर जो आई थी कोविड-19 की उसमें हमारे बहुत सारे देश के लोग बहुत सारे लोगों को कैजुअल्टी हुई थी, इसलिए मास्क अभी जो वर्तमान में तीसरी लहर आने वाली है इस तीसरी लहर को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है ना ये अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी हमारे क्षेत्र बिलासपुर जिले में ये अभियान। सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।